नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की खबर। मैं आपके साथ जुबैर चौधरी बात करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर की। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव जारी है, जहां एक गांव में सबसे महत्वपूर्ण होता है वहां के सरपंच, जो कि इलेक्शन यानी मतदान करके बनाया जाता है। तो एक ऐसे ही शख्स हमारे बीच मौजूद है जो जिला हापुड़ के ग्राम असोड़ा से प्रधान पद के प्रत्याशी हैं बाप चौधरी, जिनसे हमारे संवाददाता ने कुछ खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त में मौजूद ग्राम असोड़ा के प्रधान पद के प्रत्याशी बाप चौधरी जी है। हम उनसे कुछ खास बातचीत करके गांव को लेकर, विकास को लेकर, जनता को लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। स्वागत है सर। आपको इस गांव में रहते हुए इतना वक्त हो चुका है, आप इस गांव की चप्पे चप्पे को जानते हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या बदलना चाहिए और आप इस गाँव को किस रूप में देना चाहते हैं? ऐसा है, काफ़ी समय से मैं इस रह रहा हूँ गाँव में, मेरे वाले साहब भी यहाँ पर रह रहे हैं, उनके चैनल से हैं दो तरह के। असल में इस गांव में बहुत सारी कमियाँ ऐसी रही हैं जिनको दूर करना पड़ता है। ये एक ऐतिहासिक गांव है, इसका महत्व है हमारे गांव का जंगिया तक। हमारे गांव की जो एंट्रेस पॉइंट की गाँव है, जो नेशनल हाईवे को जोड़ते हैं, वो आज तक खराब है, यानी कि बनते हैं खराब हो जाते हैं। तो अगर मैं प्रधान बना तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये होगी जो एंट्री के गाँव रास्ते हैं बड़े, उनको चौड़ीकरण करा जाएगा और उनका बाकायदा एक गेट बना के सभी रास्तों जिससे हमारे गांव की पहचान मिल सके उसके करने का मैं काम करूँगा। लाइटिंग की उसका व्यवस्था करूँगा जिससे भी गांव की, जैसे कि आप इसमें आपके घर के पति इस गांव के प्रधान रह चुके हैं, एक जाना माना चेहरा रह चुके हैं इस गाँव का, तो आपको तो अगर जनता चुनती है तो आप वो क्या काम करेंगे जो आपके पिताजी? ऐसा है, मेरे वाले साहब ने भी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, दो स्कूल उन्हीं के टाइम में बन रहे हैं, जो पीर का करा हुआ है और एक रवन जवान। मेरी भी प्राथमिकता ये है कि मैं एक अच्छे कॉलेज जो लड़कियों का कन्या इंटर कॉलेज हो कम से कम वो, और दूसरा ये है कि जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक स्टडी सेंटर और एक लाइब्रेरी वो यहाँ बननी जरूरी है, जिससे हमारे यहाँ के बच्चे आगे इसमें नाम हमारा पढ़ सकते, वो बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा तो हम शिक्षा का ही प्रभाव देखते हैं। तो आपको अगर जनता का भरोसा जीतना है, आपको जनता आपको कैसे माने, आप सबसे अच्छे प्रत्याशी हैं, आप जनता के बीच में लेकर वो क्या बात है कि तो जनता का भरोसा जीतना चाहते हो? उसमें कई बातें, बातें ये हैं कि हमारे यहाँ पानी की निकासी का बहुत साधन बढ़ नहीं है, इसलिए हम नए नालों का निर्माण कर रहे हैं। जो नाले पुराने हैं उनके रिपेयर करते हैं और उनकी साफ सफाई की जो है काफ़ी अच्छी तरीके से व्यवस्था होनी है, और जो रास्तों पर कूड़ा रहता है या कूड़ा करके पड़ा हुआ है उसके लिए हमारा पूरा प्लान है। पूरा प्लान ये है कि हम गाँव पूरे चार सेक्टरों में बढ़ेंगे, सेक्टर वाइज उसकी पर डे सफाई, चाहे सफाई कर्मचारी बढ़ाने पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, गाँव को स्वच्छ बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे जितना भी हो सके। बाकी ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, भी गरीबों के मकानों का मामला है, समाज कल्याण विभाग द्वारा जो सरकार की योजनाएं जरूरी हैं, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, उसमें सबका सहयोग करेंगे। गरीब बच्चों की जो शादियों का अनुदान सरकार द्वारा मिलता है उसमें भी हम उसमें पूरा सहयोग करेंगे, कुछ सहयोग हम अपने स्तर से भी करेंगे। बात यह है कि अगर हम चाहें तो ग्राम विकास निधि के अलावा भी हम एक पूरी समिति बना सकते हैं ग्राम विकास समिति। गाँव की आबादी लगभग हमारी 25,000 है, अगर उसमें हम कुछ लोगों को साथ लेते हैं, अगर हम एक ऐसी समिति बनाए उसमें जिसमें हमारे यहाँ के बड़े बड़े PCS भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर हैं या और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार हैं, हम उन सबको साथ लेते हैं। जैसे आपके असोड़ा गाँव में युवा है, युवाओं को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ युवाओं का मामला ये है कि सरकार द्वारा भी प्रपोजल जो है असोड़े के लिए दिया गया है कि स्टेडियम बनाने के लिए, उस पर जमीन की खोज चल रही है, अगर जमीन मिल जाती है तो स्टेडियम के लिए हम भी प्रयास करेंगे। और बाकी है कि हमारे यहाँ के जो प्रतिभान युवा हैं वो चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो या और किसी क्षेत्र में, अगर वो जाना चाहते हैं तो ग्राम समाज के द्वारा या जितना भी हम संभव प्रयास करेंगे उनको प्रोत्साहित करेंगे, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में। जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना फिर से हिंदुस्तान में पैर पसारता जा रहा है, दिल्ली के केसेस 1.5 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, कोरोना का मामला बहुत गंभीर है, पूरा देश परेशान है, लॉकडाउन की स्थिति तेज़ी
चाहिए। मेरा सभी से ये अनुरोध है कि उसमें जो है अपनी एहतियात करें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग करवाएँ और बाकी जितना भी हो सकता हो, इसका प्रभाव देखो चुनाव पर पड़ना है तो इस वजह से सब अपना एहतियात करें, काम घर निकलें जितना भी हो सके। तो ये थे हमारे साथ में बात होती थी ग्राम असोड़ से विधान पद के प्रत्याशी, उनका साफ तौर से कहना है कि मैं असोड़ा के लिए विकास के लिए बना हूँ, विकास करूँगा, एक बार मेरे को चुकाइए, उसके बाद में विकास मेरा देख लूँगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार।